खरगोश और कछुआ। एक समय की बात है, एक बड़े से खूबसूरत जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत सुंदर था। उसका दूधिया रंग सभी को बहुत पसंद था। वह बहुत तेज भागता था। सभी जानवर उससे दौड़ लगाने में बहुत डरते थे, पर उसके तेज भागने की वजह से वह बहुत सारे मित्र बना पाता, क्योंकि वह सभी की कभी कभी मदद कर दिया करता था। मगर धीरे धीरे इसी क्षमता पर उसे घमंड होने लगा। एक दिन जंगल में भागने की प्रतियोगिता रखी गई। सभी जानवर बहुत खुश थे, पर खरगोश से मुकाबले पर डर रहे थे। जब सभी जानवर प्रतियोगिता में भाग लेने लगे, तभी वहाँ एक कछुआ आ गया और सबको निहारने लगा। तभी वहाँ खड़े हाथी ने उससे कहा, अरे भाई कछुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, यह भागने की प्रतियोगिता है और तुम तो चल ही सकते हो, भाग नहीं सकते। मैं भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। सभी जानवर यह सुनकर खूब हंसे। जब खरगोश को यह पता चला, वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और कछुए से कहता है, तुम और रेस, हा हा हा, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है दोस्त, चले जाओ यहाँ से। मेरे साथ रेस लगाने के लिए सारे जानवर डर रहे हैं और तुम तो भाग ही नहीं सकते। भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं भी भाग सकता हूँ। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ भागना, देखते हैं कौन जीतता है। जीतना तो मुझे ही है, मुझे हराना बहुत मुश्किल है, मेरी रफ्तार बहुत तेज है। पर हाँ, मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे। क्या आप तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। सभी जानवर इस रेस के लिए बहुत उत्सुक हो गए। आखिर वह दिन भी आ गया। खरगोश और कछुआ तैयार हो गए। क्या तुम तैयार हो दोस्त? बिल्कुल, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ दौड़ सकता हूँ। अच्छी बात है, आज इस बात का फैसला हो ही जाएगा। ऑल द बेस्ट। और इसी तरह दोनों की रेस शुरू हो गई। खरगोश अपनी तेज रफ्तार से भागकर बहुत आगे निकल गया, मगर कछुआ धीरे धीरे धीमी धीमी चाल से चलता रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि कछुआ लगातार चलता रहा। बहुत आगे जाकर जब कहीं भी खरगोश को कछुआ न दिखा और वह बहुत थक गया, तो उसने मस्ती में एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने की सोची। अब यहाँ थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। अरे वो कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, मुझे उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर वहाँ सुस्ताते सुस्ताते थोड़ी ही देर में खरगोश को नींद आ गई और वह सो गया। कछुआ लगातार चलता रहा। आगे पहुंचकर जब उसने खरगोश को सोते हुए देखा, उसने कहा, अरे दोस्त उठो, अभी तो रेस खत्म नहीं हुई। मगर इस बात का खरगोश पर कोई असर नहीं हुआ और वह सोता रहा। इसी बात का फायदा उठाकर कछुआ आगे बढ़ गया और देखते ही देखते कछुआ जीत भी गया। यह देख सभी जानवर बहुत हैरान थे। वह समझ नहीं पा रहे थे खरगोश आखिर कहाँ रह गया। थोड़ी देर बाद जब खरगोश की आंख खुली, तब भी उसे यह समझ नहीं आया था कि वह बहुत बड़ी भूल कर चुका था। अरे मुझे तो नींद आ गई थी, पर कोई बात नहीं, ये
कछुआ बेचारा अभी बहुत पीछे होगा। चलो भागता हूँ। भागते भागते जब खरगोश आगे तक पहुँचा, वह हैरान हो गया। सभी जानवर जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और कछुए को इनाम देकर उसे मुबारकबाद दे रहे थे। यह सब देख खरगोश की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब वह समझ चुका था कि उसके घमंड ने उसे इस प्रतियोगिता में हरा दिया था।